आज की वीडियो ताऊ जी के यहाँ से लेके आ रहे, ताऊ राम सिंह पांडवान के यहाँ से। को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। प्रयास रहता है पशुपालक किसान साथियों को जब भी दिखाएं वीडियोस के अंदर अच्छा पशुधन दिखाएं, उसी प्रयास में मैं कहूँगा हरियाणा का सबसे पुराना चेहरा और मिल्किंग किंग कहेंगे हम ताऊ जी को, आज की वीडियो लेके आ रहे हैं ताऊ राम सिंह पांडवान के यहाँ से। जितने भी पशुपालक पहली बार वीडियो देख पा रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को लाइक करें ताकि वहां भी आप तक वीडियोज पहुंचती रहें। तो आज की वीडियो है जी ताऊ जी के यहाँ से, ताऊ राम सिंह पांडवान जिनका गाँव है पांडवान डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी हरियाणा से वीडियो लेके आ रहे हैं। और सामने आज फिर से एक मुर्रा रतन खड़ा है और डिटेल से जानकारी लेंगे मिलवाएंगे सामने ताऊ जी को, आप देख पा रहे हैं। राम राम ताऊ जी, आज तीन ही भैंस दिखा रहे हो? तो बेचने के दो हैं, बिक्री की दो ही हैं। तो पहले नंबर वाली जोटी की क्या कुछ डिटेल है? ये जी दूसरा कह रहे हैं आज 20-22 दिन की ब्याई वाली, इसके 21-21 है, साढ़े 20-21 है, 20 से बार बार 20 किलो, हाँ 21 साढ़े 21 भी मौसम है तो है, लेकिन जी जी मतलब साढ़े 20-21 है, साढ़े 21 आज तैयारी का है जी जी। साथ में बच्चा कटड़ा है, कटड़ी कटड़ी खोलना भाई इसको। दूसरे ब्यांत की जोटी है जी, बहुत बड़ा साइज इस पशुधन का, और मैं कहूंगा इस टाइम में जिस टाइम में शायद ऐसी ऐसी जोटियां देखने के लिए पूरे जिले में घूमना पड़ता है तब ताऊ जी के यहाँ से वीडियो है। बिल्कुल छोटे सींग की और टाइट जोशीले अडर की पीठ पुट्ठा साइज बहुत ही ज्यादा है। ले आओ भाई सब, ये देख सकते हैं जी सींग की क्वालिटी है, शो क्वालिटी का जो पशुधन एक बार यहाँ से दिखाएंगे, साइड से थनों का जो स्पेस है या पीछे के थनों का, और बहुत ही टाइट आर्डर की। अगर यही पशुधन सर्दी के टाइम में हो तो 25-26 किलो दूध की भैंस है, लेकिन आज बांध लो भाई, आज बिल्कुल ये मानिए एक किस्म से 45 डिग्री टेम्परेचर, और इस टाइम में जोटी दूसरे ब्यांत की साथ में फीमेल काफ, और 21 किलो साढ़े 21 किलो दूध जो है मौके पे तैयार है, लेकिन इनका कहना है कि 20 से प्लस ही मानिए क्योंकि मौसम खराब है इस टाइम। अगर ज़्यादा गर्मी जिस दिन होती है उस दिन पशुधन एक आध किलो दूध इधर उधर कर सकता है। ये देखिए जो आर्डर की क्वालिटी है, तनों की क्वालिटी, और इधर आप देख पा रहे हैं इसकी फीमेल काफ जो साथ में है, पुट्ठे का साइज आप देखिए बहुत ही ज्यादा चौड़ा, और यहाँ से जो आप देख सकते हैं बहुत बड़े साइज की 20 किलो दूध से प्लस कांटे का दूध बताते हैं ताऊ जी जब भी बताते हैं। आगे दूसरे नंबर पे एक और जोटी है ताऊ जी, ये भाई साहब इस मालिक ने तो दूसरा बताया कि तीसरा भी हो गया, मैं कॉपी पर पढ़ूं था नाम का, हां लिया तो आप नहीं करना ठीक है। अच्छा ये दूसरा बड़ा बड़ा मार्क 18 दिए दूंगी दिए दो जी, ये दूसरा कितना दूध तैयार आज? ये इसमें 18 लीटर तैयार है, 18 लीटर तैयार है। इसके साथ में बच्चा क्या है, कितने दिन की ब्याई है? जी जी खोलना भाई इसको भी जी, जहाँ से इन्होंने परचेज की है वहाँ से पशुधन जो है दूसरे ब्यांत का बताया गया था, हो सकता है एक आध ब्यांत ऊपर भी हो इनका स्पष्ट कहना है, और यहाँ से आप देखिए बिल्कुल सही बात है ताऊ जी, बिल्कुल छोटा सींग है जी, और यहाँ से आप देख सकते हैं आर्डर की जो क्वालिटी है थन है बहुत ही अच्छी, नीचे की साफ सुथरी बता रहे हैं ताऊ जी, और इनका कहना है कि बाकी आप पशुपालक भाइयों के सामने 18 किलो दूध मौके पे तैयार, इसके साथ में भी कटड़ी, और जो है आर्डर के स्पेस आप थनों का देख पा रहे हैं जी, बिल्कुल 18 लीटर है, 18 लीटर का दूध बता रहे हैं इसमें, और यहाँ से देखिए जी साइड से जो स्पेसिंग है, पीछे से जो लेवे की बनावट है, पुट्ठे का साइज है। इनके यहाँ से पंजाब में बैसे गई हैं, अपने मित्र हैं विदेश में थे, उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स कहा कि ताऊ जी ने जो कुछ बताया वो बिल्कुल साफ सुथरी बातें बताई हैं पिछली वीडियो में जो पशुधन बनाया की कवरेज हमने की थी। और ये देखिए जी, ये देखिए दिलबाग जो बुल है, दिलबाग बुल के बारे में भी ताऊ जी बताएंगे एक जोटी आगे। ये आंध्रा में साल और ही है, दो दिन में
अच्छा अच्छा बेच रखी है अपने खेड़ी अपने हाँ 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 जो मंजीत बैसवाल के पास जो बोले मंजीत बैसवाल के पास जा रहा है उसकी दांतों में कैसे है अच्छा अच्छा क्या बने अभी हाँ यार मेरे ख्याल पाँच महीना करीब हो रही दो चार दिन ऊपर जी जी खोलो भाई इसको भी फर्स्ट टाइमर जोटी है जी दांत दो भी हो सकती है चार भी हो सकती है ताऊ जी का कहना है चेक नहीं अच्छा 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 तो बिल्कुल छोटे सींग की है जी साइज आप देखिए मान के चलिए बड़ी बड़ी भैंसे हैं उनको भी दबा रही है दिलबाग जो मंजीत बैसवाल के पास जो बुल है जो जिसकी ताऊ जी ने शायद लाखों रुपए का पशुधन मैं कहूंगा बेच भी दिया है उस बुल की कटड़ियां खरीदते हैं और ये देखिए बिल्कुल छोटा सींग और साइज तो जी मानिए मेरे हिसाब से दूसरे तीसरे ब्यात की भैंस में भी नहीं मिलेगा सेल कर रखिए आंध्र आ जाएगी ये देखिए जी लगभग इस साइज की इस एरिए में कोई भी भैंस नहीं मिलेगी जी क्योंकि बहुत बड़ा साइज है ब्यूटी भी काफ़ी ज़्यादा है पीठ पुट्ठा नीचे से थनों की बनावट है तो ये सेल बेच रखी ताऊ जी बेच रखे दे रखी अच्छा अच्छा तो दिलबाग की वैसे पहले भी आप काफ़ी चोटियाँ ले आए उस बुल की अच्छे दूध की निकलती हैं जी 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 सत्रह अठारह किलो पक्का देगी दिलबाग की जो कटड़ियां हैं 17-18 किलो दूध पहले ब्यात में दे रही हैं अच्छी कटड़ी 20 पे भी चली जाए पीछे उस चौथा धंधा मोहिने वा 20 से काटनी है 17-18 से दो दाम काटनी है दिलबाग और पिछली जो एक पीछे हमने दिलबाग की वीडियो डाली थी उसमें स्पेशल ताऊ जी का जिक्र इसीलिए हुआ था इन्हीं का तरासा हुआ बुल था वो और आज वो मंजीत बैसवाल के घर पे है और ये कटड़ी भी किसी अपने किसान साथी के घर पे जाएगी वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करे मैं कहूँगा बुल का भी तो पवन चौधरी हैं आंध्रा से अपने भाई उनके पास ये जा रही है और साइज आप देखिए जी बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा बुल अगर कटड़ी को देखे तो अपने बाप से भी बड़ा साइज बना गया इतने बड़े साइज की कटड़ी और जिस टाइम बच्चा देगी इधर ये जोटियाँ बिक्री के लिए हैं जिस टाइप से ताऊ जी की वीडियो कवर होती है आज मैं कहूँगा मौसम ने तो उतना साथ नहीं दिया लेकिन फिर भी प्रयास किया है कि आप पशुपालक भाइयों को इनकी वीडियो जो है पसंद आएगी इंतज़ार रहता है ऐसे वीडियोस बनाने वाले बहुत हैं वीडियोस रूटीन से आती रहती हैं लेकिन इनका जो पशुधन है उसका पशुपालकों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है क्योंकि अच्छे दूध का जो पशुधन है वो वीडियोज़ में दिखाते हैं आज दूध तोलने वालों की लाइन लगी हुई है लेकिन एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे शायद दूध तोलने का जो स्टार्टिंग या लाइव चलाने का जो क्रेज हुआ था वो इनके यहाँ से हुआ था कोई मेला कंपटीशन ऐसा नहीं जिसमें इनका पशु ना गया हो ये दोनों जोटियाँ बिक्री के लिए हैं जी इनका संपर्क सूत्र है वो रेगुलर स्क्रीन पे चल रहा है और सबसे बड़ी बात दोनों जो पशु हैं उनके साथ में कटड़ियाँ हैं ये वो कटड़ियाँ ऐसी जिनको पशुपालक इनसे भी जो लो क्वालिटी की भैंसे हैं उनकी कटड़ियाँ 50-60-70 हज़ार की बेचते हैं ये पशुधन मिल्क विद ब्यूटी दूध और सुंदरता दोनों इनमें है और इनके जो बच्चे तैयार करेंगे आगे आने वाले टाइम में ऐसी जोटियाँ हमारे पशुपालक भाई हैं उनके घर पे देखने को मिलेंगी ये देखिए बहुत ही शानदार जो इसकी लेवे की बनावट है साफ सुथरा पशुधन लेके आते हैं आज नाम बनाने में किसी भी पशुपालक को समय लगता है बिगाड़ने में कोई समय नहीं लगता तो ये ताऊ जी की मेहनत है और एक दिन पहले भी संदीप भाई से जिक्र हुआ था उस टाइम क्या मेरे संदीप ने कहा था मेरे दादाजी अच्छी भैंसों की डिटेल कॉपी पे लिख लेते हैं कि वो इस टाइम बच्चा देगी उसी टाइम उस भैंस को खरीदने जाते हैं दूध वाली भैंसें ताऊ जी की डायरी में रहती हैं लगभग किस तारीख बच्चा देगी कौन सी कितने दूध वाली है तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें जी चैनल को सब्सक्राइब करें सभी भाई जुड़े सभी का धन्यवाद जी जी यो काम कर दिया नहीं मना रहे गांव में नहीं उस गांव में बाज बाज सब एक दिन 45 साल यह किस्म की फौजी डाल 45 साल की सर्विस थोड़ी नहीं हो बहुत है एक दिन संदीप से मजाक कर रहा था 45 साल हो गए तो कर दिया एक दिन अपने संदीप से मजाक कर रहा मगर तेरा दादा भैंस कितनी लिया कहा मेरा दादा की डेयरी में दूध वाली भैंस नोला जिसकी भैंस बच्चा देगी उसकी तारीख लिखी रखे इस तारीख को बच्चा देगी उसी टाइम अगले आदमी जी साफ सुथरा अपना व्यापार करा मेरे पास फोन आ जाए कोई राम सिंह आ जाए भाट जा रहा तीन दिन की ब्याह होली चार दिन की जी फोन करते जी बिल्कुल जैसे कई बार आपके दरबार आप खुद भी करते हो बिल्कुल व्यवहार है ये व्यवहार आदमी का व्यवहार तो ये देखिए जी
चोटियां दोनों हमने वीडियो में दिखाई। कोई भी पशुपालक खरीदना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। सभी भाई जुड़े, सभी का धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।